अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान कयूम और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बास्केट वेव इफ़ेक्ट बनाने का तरीका। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अपनी एक तस्वीर खोली हुई है। सबसे पहले मैं इसे क्रॉप टूल से क्रॉप करूँगा क्योंकि बास्केट वेव इफ़ेक्ट सिर्फ चेहरे पर ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करने के इसे सेट करूँगा। उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपकी ये इस टैब में WH रेजोल्यूशन चेक हो और 878 पिक्सल्स पर हो और इसके रेजोल्यूशन हो 150 या 72, जो भी आप चाहें, और डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स चेक हो। मैं इसे ओके का टिक करूँगा और इसे कंट्रोल ओ से जूम इन करूँगा ताकि फिट हो जाए। और फिर मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा और यहाँ से चूज़ करूँगा प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में गाइड्स, ग्रिड एंड स्लाइसेस, वैसे हम चाहें तो सीधा प्रेफरेंसेस में भी आ सकते हैं। यहाँ पर ग्रिड में, ग्रिड एरिया में हम कलर रखेंगे कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे, बस वो डार्क होना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट इस साइड पे नहीं होना चाहिए। न्यू कलर में कोई सा भी ये कलर नहीं होना चाहिए, इस यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ से कोई सा भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं येलो ही रखूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप येलो ही रखें। ग्रिड लाइन एवरी 217 पिक्सल्स पर रखूँगा, जो कि आपके इंचज़ पर होगी शायद, क्योंकि मेरी ये इंचज़ पर थी। और सब डिविजन्स रखूँगा 6। ओके करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा व्यू में, और व्यू में यहाँ शो में जाकर जाऊँगा ग्रिड में। सॉरी, ये मेरी ग्रिड तो चेक है लेकिन एक्स्ट्राज नहीं, तो मैं इसको कंट्रोल एज से, जो कि इसका शॉर्टकट है, उससे मैं चेक करूँगा और दोबारा जाके मैं इसको देखूँगा कि चेक है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं ये चेक है, पहले तो माइनस का साइन था क्योंकि हमारा एक्स्ट्राज चेक नहीं था। तो ये एक्सेस पे डिपेंड करता है कि आपका जो आपने अंदर चूज़ किया वो बाहर शो हो रहा है या नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा मार्केट टूल में और इनकी सिलेक्शन बनाऊँगा। सिलेक्शन बनाने से पहले मैं व्यू में जाऊँगा और यहाँ से स्नैप को चेक कर रखूँगा, जो कि मेरा चेक ही है। अगर आपका चेक नहीं है तो आप इस पर एक बार प्रेस करें और ये चेक हो जाएगा। और यहाँ पर दो लाइन्स अंदर रखे हुए मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और अगली एक रो पूरी छोड़ के इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा अगली दो को, और फिर इस तरह मैं बनाता जाऊँगा। और अपना सेलेक्ट में जाऊंगा और इसको कर दूंगा सेव सेलेक्शन, क्योंकि हमें इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैं इसका रखूँगा रोज सेलेक्शन, इसका नाम जैसा भी आपने लिखा हो, कोई डिपेंड नहीं करता कि ऐसे ही हो या ना हो, क्योंकि हमें बस पहचानना है कि कौन सा है। मैं इसको कंट्रोल ए से, कंट्रोल डी से इनको डिसलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आप कॉलम्स की सिलेक्शन बनाऊँगा बिल्कुल उसी तरह। सॉरी, मैंने 3 कर दिए। बिल्कुल उसी तरह हम इनको भी सेलेक्ट करेंगे और फिर दोबारा जाऊंगा सेलेक्ट में और यहाँ से कर दूंगा सेव सेलेक्शन। यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा कॉलम सेलेक्शन और फिर इसे कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर दूंगा और कंट्रोल एड से इसे राइट कर दूँगा, क्योंकि अब हमें की ज़रूरत नहीं है। ये वही एक्सरसाइज का शॉर्टकट था। इसकी मैं इन तस्वीर की 2 कॉपीज बनाऊँगा कंट्रोल जे से, और ये जो नीचे वाली है इसे कंट्रोल सॉरी आल्ट बैकस्पेस से ब्लैक कर दूंगा और इस लेयर पे जाकर मैं सेलेक्ट में जाऊंगा, लोड सेलेक्शन में जाऊंगा और यहाँ से इसमें से हम करेंगे रो को सेलेक्ट, जो कि हमने सेलेक्शन बनाई थी, और इसे कर दूंगा लेयर मास्क। और फिर इस लेयर पे जाऊंगा और दोबारा जाऊंगा सेलेक्ट में, लोड सेलेक्शन करूँगा और यहाँ से इसकी कॉलम की सेलेक्शन को लोड करूँगा और यहाँ पर इसे लेयर मास्क कर दूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर पे मैं कंट्रोल, इस मास्क पे कंट्रोल प्रेस करूँगा ताकि इसकी सिलेक्शन हो जाए, और इस मास्क पे मैं कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट प्रेस करूँगा ताकि ये इस तरह के बॉक्सेस में ये सिलेक्शन बदल जाए। और मैं इस सिलेक्शन को नाम दूंगा सेव सिलेक्शन में जाकर बॉक्स सिलेक्शन, जो कि इन दोनों को मिला के बनी है। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्यू प्रेस करूँगा ताकि ये इस तरह हो जाए, और फिर सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को मैं पेंट बकेट टूल के जरिए फिल करूँगा और इसके बाद एक को छोड़ के अगला और एक को छोड़ के अगला, और इसी तरह हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे। और फिर फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को फिल करूँगा और उसके बाद एक से अगला, एक से अगला, और फिर मैं दोबारा क्यू प्रेस करूँगा ताकि सिलेक्शन में चेंज हो जाए और इसे कर दूँगा कंट्रोल जे से एक न्यू लेयर पर कॉपी। फिर मैं इस लेयर पर जाऊँगा और जाएंगे चैनल्स में, और चैनल्स में जाकर हम करेंगे बॉक्स सेलेक्शन को कंट्रोल से एक बार सेलेक्ट, और यहाँ लेयर में जाकर दोबारा मैं क्यू प्रेस करूँगा ताकि इस तरह हो जाए, और फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद एक से अगला और एक से अगला।
और फिर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और एक से अगला एक से अगला, और फिर दोबारा क्यू प्रेस करूंगा ताकि सिलेक्शन में चेंज हो जाए, और कंट्रोल जैसे इसे न्यू लेयर पे कॉपी कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों लेयर्स को क्लिप करना चाहिए अपने लेयर्स के साथ, तो मैं इसके लिए प्रेस करूंगा कंट्रोल आल्ट जी ताकि ये इस लेयर पे दिखाई दे, इस लेयर के साथ क्लिप हो जाए, और फिर कंट्रोल आल्ट जी इस लेयर पे भी। और फिर मैं करूंगा क्योंकि बास्केट वेव इफेक्ट तैयार हो चुका है, बस दो काम बाकी हैं, इसमें से पहला है आउटर ग्लो और दूसरा है इसे एक टेक्सचर देना। आउटर ग्लो के लिए मैं क्या करूंगा, एफएक्स में जाऊंगा और आउटर ग्लो चूज करूंगा, आउटर ग्लो रखूंगा, इसका मोड मल्टीप्लायर पर ओपेसिटी रखूंगा 50, साइज रखूंगा 40, कलर ब्लैक होना चाहिए, ये जरूरी है। और फिर यहाँ पर जाके एफएक्स में, क्योंकि हमें इस उस दूसरी लेयर पे भी कॉपी करना है, तो एफएक्स पे प्रेस करूंगा मैं आल्ट और लेफ्ट माउस बटन से इसे सेलेक्ट करूंगा और इसे ड्रैग कर दूंगा ऊपर की तरफ लेफ्ट माउस बटन होल्ड किए हुए, और फिर दोनों को क्लोज कर दूंगा। और फिर हमारा एक काम बाकी है, वो है टेक्सचर ऐड करना, क्योंकि ये लगभग तैयार हो चुका है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आर्ट ई को एक साथ प्रेस करूँगा ताकि ये एक अलग सी न्यू लेयर बन जाए, हमारा सब कुछ एक लेयर पे चेंज हो जाए। और फिर मैं जाऊँगा फिल्टर में, फिल्टर में फिल्टर गैलरी, और यहाँ से टेक्सचर में, टेक्सचर के फोल्डर में टेक्सचराइजर, जिसके स्केलिंग होनी चाहिए 100, रिलीफ 1, और टेक्सचर होना चाहिए बर्लैप, ओके करूँगा। और ये हमारा इफेक्ट तैयार हो चुका है, और आज के लिए बस इतना ही था। देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे ट्यूटोरियल्स, और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और ट्यूटोरियल बना सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था, अल्लाह हाफिज़ अगले ट्यूटोरियल तक, अल्लाह हाफिज़।